जावास्क्रिप्ट के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दो नंबर का सम अगर डिस्प्ले करना हो तो उसका कोड कैसे लिखेंगे। बोर्ड पे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, किसमें लिखना है, जावास्क्रिप्ट में लिखना है, टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का क्या करना है, सम डिस्प्ले करना है, उसके लिए कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोड को। जावास्क्रिप्ट हम लोग कहां पे यूज करते हैं, तो एचटीएमएल में यूज करते हैं। अब इसमें कोड कहां लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं और उसको हम लोग डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल, उसके बाद आप लोग का क्या होता है हेड, उसके बाद क्या होता है टीआईटी एल टाइटल, टाइटल क्या देंगे, क्या है सम ऑफ टू नंबर। चलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, और हम लोग क्या करेंगे टाइटल को क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहां से हेड भी क्लोज करेंगे क्योंकि हम लोग जो जावास्क्रिप्ट कहां पे यूज करेंगे, बॉडी में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉडी और सबसे पहले क्या करेंगे स्क्रिप्ट लगाएंगे। तो यहां पर से स्क्रिप्ट के लिए क्या लिखेंगे, एस सी आर आई टी टी, जिसका पहला एट्रीब्यूट आप लोग का क्या है, एल स्मॉल होगा एल एन जी यू ए जी इक्वल टू क्या हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट। ये देखिए जावा स्क्रिप्ट स्मॉल केस में लिखा हुआ है और टाइप इक्वल टू, देखिए अभी आप लोग का बिगिनिंग में है इसलिए हम पूरा का पूरा लिख रहे हैं, बाकी आप लोग का जावा ये टाइप से भी काम चल जाएगा। टाइप इक्वल टू डबल कोट में लिखेंगे टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट और इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए सी में और सी प्लस प्लस में आप लोग क्या करते थे, किसी भी वेरिएबल को आई एम टी फ्लोट डबल इस तरह से डिक्लेयर करते थे, किस वेरिएबल में आपको क्या स्टोर करना है। इसमें आप लोग का क्या करना है, भर वी आर इन स्मॉल केस, कितना वेरिएबल चाहिए थ्री। अब देखिए अगर भर के जगह पर हम लोग लेट ही यूज करते हैं एल ई टी, इसको हम लोग क्या कर सकते थे, लेट ए बी और सी। ध्यान रखिएगा जावास्क्रिप्ट में या तो हम लोग भर यूज करें या लेट यूज करें, दोनों भी क्या होगा ये डिक्लेयर करता है कि यह एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। अब देखिए a इक्वल टू मान लेते हैं 5 और b इक्वल टू 7 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b और इसी का हमको सम डिस्प्ले करना है। तीनों होने के बाद हम लिखेंगे यहां से, चूंकि अब डिस्प्ले करना है वैल्यू डिस्प्ले करना है और मैसेज भी करना है, अगर हम चाहते हैं कि मैसेज ये है सम इक्वल टू कितना यहां पे है, ठीक है यहाँ पर क्या है सम इक्वल टू 12 है या सिर्फ 12 है, तो अगर सम इक्वल टू 12 आता है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए कोड होगा यहाँ पर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखिए जो एडजेक्टिव डिस्प्ले कर रहा है, जैसे ये हमारा क्या है यहां से यहां तक क्या है कैरेक्टर है वो डिस्प्ले करना चाहिए, तो आप इसको क्या लिखिए डबल कोड में लिख दीजिए सम इक्वल टू, अब उसके बाद जिसमें वैल्यू स्टोर है वो प्लस के साथ होगा यानी प्लस सी। ठीक है, अब आप लोग का ये हमारा कंप्लीट हो गया।
अब यहां से आपको क्या कीजिए, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दीजिए और यहां से आपको क्या हो जाएगा, बटी क्लोज हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, एचटीएमएल। यह कोड वैसे लोगों के लिए है जो कभी प्रोग्राम नहीं लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग को यहाँ पे क्या क्या करना पड़ा। ये देखिए आप लोग का क्या हुआ कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना, तो आप लोग का जैसे ब्राउजर है, ये देख लेते हैं ब्राउजर। तो यहाँ पर देखिए जो आप लिखिएगा सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेगा, सम ऑफ टू नंबर्स। और यहाँ पर डिस्प्ले करेगा सम इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या ध्यान देना है, तो ध्यान देना था यहाँ पे क्योंकि हम लोग इसके पहले के प्रोग्राम में देखे थे कि अगर सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है यानी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है तो डबल कोट में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ सी भी डिस्प्ले करना है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर डिस्प्ले करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस सी और विदाउट डबल कोट। अगर डबल कोट में अगर हम लोग यूज कर देंगे तो वो भी एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। और क्या करना है, ये कोड लिखने के बाद आपको इसको सेव करना है, क्या कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, फाइल नेम डॉट html, यानी फाइल नेम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन आपको क्या देना है, डॉट html। तो ये आप आसानी से प्रोग्राम आपका एक्सिक्यूट होगा और आउटपुट देगा। तो इस तरह से हम लोग एटलीस्ट प्रोग्राम में सीखे कि किसी भी वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे और उसके वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करेंगे और उसके रिजल्ट को हम लोग कैसे प्रोग्राम में डिस्प्ले करेंगे। अगर ये प्रोग्राम आप सीख गए हैं और समझ गए तो आप इसी के बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहां पर हम दो ही चीज क्लियर की, पहला कि वेरिएबल को हम लोग भर से डिफाइन करते हैं या इसके जरिए पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर आप भर नहीं लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्या यूज कर सकते हैं, लेट let, दोनों सेम वर्क करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा भर या लेट। तो इसके नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि अगर हमको रन टाइम क्या करना है, वैल्यू इनपुट कराना है और उसके बाद उसका रिजल्ट देखना है कि जो दोनों वैल्यू इनपुट किए उसका रिजल्ट क्या आया है, तो वह हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट प्रोग्राम में। हम बार बार कह रहे हैं यह प्रोग्राम उन स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, इसीलिए एकदम बेसिक से हम इसको बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए यहां पर देखिए हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो इसके जगह पर कुछ कोड को रिमूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जहां पर हम बात करेंगे दो वैल्यू इनपुट बाय द यूजर एट द रन टाइम एंड देन डिस्प्ले द अदर रिजल्ट। उम्मीद है आपको यह प्रोग्राम का कोड समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू।